स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से आप अपने डीवीडी या सीडी को आप अपने लैपटॉप में कॉपी कर सकते हो और उसी को अपने पेन ड्राइव या किसी भी ड्राइव में आप कॉपी कर सकते हो। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने लैपटॉप में जो डीवीडी ड्राइवर है उसको ओपन करना होगा। तो देखिए यहाँ राइट हैंड साइड में आपको इसका जो ड्राइवर है मिल जाएगा। इसमें मैं इसको ओपन करता हूँ, जैसे ही इसको मैं प्रेस करूँगा ये बाहर आ जाएगा। देखिए इसको प्रेस करना है तो इसका जो ड्राइवर है वो खुल जाएगा। देखिए लैपटॉप के अंदर ये जो पूरी तरह से बाहर नहीं आता, आपको थोड़ा इसको खींच के बाहर करना पड़ेगा। ये बाहर आ गया। अब इस स्लॉट के अंदर यहाँ पे आपको आपकी डीवीडी या सीडी को रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपनी जो डीवीडी है वो रख लेता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप डीवीडी को इंसर्ट करेंगे आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा। उसके बाद में आपको दिस पीसी के अंदर जाना है। दिस पीसी के ऊपर जाके डबल क्लिक करेंगे आपको सभी लोकल डिस्क के वो नज़र आएगी। उसके अंदर से आपको जो डीवीडी ड्राइव है उसको ओपन करना है। यहाँ पे आपको इस पर नज़र आ रहा है डीवीडी ड्राइवर। इस डीवीडी ड्राइवर को आप ओपन करेंगे तो आपको बहुत सारी फाइलें वो नज़र आएगी जो कि आपके सीडी या डीवीडी के अंदर होगी। तो सीडी डीवीडी के अंदर में से जो आपकी काम की फाइल है वो है MPEGAV, इसको आपको ओपन करना है। जैसे डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको जो इसकी मुख्य फाइल है वो नज़र आएगी। इसको लेके आपको कॉपी करना है और जहाँ पर भी इसको पेस्ट करना है उस फोल्डर के अंदर इसको जाके पेस्ट कर देना है। तो इसको कर देते हैं कॉपी। राइट क्लिक करके आपको इसके ऊपर जाके कॉपी करना है। चलिए कॉपी कर देते हैं। इस कॉपी करके इस फाइल को हम किसी भी फोल्डर में रख सकते हैं। यहाँ पे मैं रख देता हूँ इसको लोकल डिस्क डी के अंदर। तो लोकल डिस्क डी को ओपन करते हैं। यहाँ पे जो भी मेरे अलग अलग फोल्डर बने हुए हैं इसके अंदर मैंने जाके एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। न्यू फोल्डर में जाके यहाँ पे चलिए इसका नाम दे देते 111 और यहाँ पर जाके मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। यहाँ पर कर दिया पेस्ट और ये फाइल है वो यहाँ पर डाउनलोड होना शुरू हो गया, यानी पूरी तरह से पेस्ट हो जाएगी। और जैसा लैपटॉप का आपके परफॉर्मेंस होगा उसी के अनुसार इसमें टाइम लगेगा। ये लगभग 700 MB की फाइल है तो इसके अंदर आपको टाइम लगेगा। और ये पूरी डाउनलोड होने के बाद में हम जानेंगे कि किस ढंग से इस फाइल को हम MP4 में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर इस फाइल को आप प्ले करेंगे तो आपके किसी भी VLC या मीडिया प्लेयर के अंदर ये नहीं चलेगी। इसके लिए आपको इसको MP4 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है WonderShare Filmora। और WonderShare Filmora को कैसे डाउनलोड करना है उसके बारे में पूरा मैं एक वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो के माध्यम से इजीली आप समझ सकते हैं कि किस ढंग से इसको इंस्टॉल करना है अपने लैपटॉप के अंदर। तो मैं इसको चलिए ओपन करता हूँ। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, जैसे ही डबल क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। बहुत ही हैवी सॉफ्टवेयर है तो थोड़ा टाइम लगता है इसके अंदर ओपन होने में। तो यहाँ पर मैं डबल क्लिक कर दिया है और डबल क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा टाइम लेके ये ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आप जाके किसी भी फाइल, चाहे .bat फाइल है या किसी भी प्रकार की फाइल है, इसको आप इजीली MP4 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये WonderShare Filmora जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो गया है और इस ढंग से इसका जो पेज है वो नज़र आता है। यहाँ पे भी जो बीच में देखिए जो ये प्लस वाला आइकन है, इस प्लस वाले आइकन के ऊपर जाके आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने जो आपकी जहाँ पर भी फाइल है वो आपको नज़र आएगी। आप किसी भी फोल्डर में जाके फाइल को ओपन कर सकते हैं। मैंने ओपन किया हुआ है तो ये फाइल मुझे सीधा ही मिल गई। आप किसी भी लोकल डिस्क के अंदर जहाँ फाइल है वहाँ जाके आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो मैं इस फाइल को इंसर्ट कर देता हूँ इस सॉफ्टवेयर के अंदर। ओपन किया तो जैसे ओपन किया तो देखिए इसके अंदर ये फाइल है वो आ गई, ठीक है। अब इस फाइल को जो ये .bat फाइल है इसको हम MP4 में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, इसके ऊपर जैसे ही आप कर्सर लेके जाएंगे तो यहाँ पे छोटा सा प्लस आइकन नज़र आ रहा है। इस छोटे से प्लस आइकन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये जो फाइल है जो इसके टाइम बार जो है इसके अंदर आ जाएगी और यहाँ पे से आपको जो इसकी पिक्चर साइज़ है वो आपको रिजोल्यूशन ये सेलेक्ट करना है। तो 1920 और 1080 जो पिक्चर है उस पर क्लिक करके आप इसको इंसर्ट कर देना। अब क्या करना है, आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज नज़र आएगा। देखिए यहाँ पे मैं इस पूरी जो पिक्चर है इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे कर्सर को लेके जाना है एक्सपोर्ट, जहाँ पर भी लिखा हुआ है देखिए ये ऊपर एक्सपोर्ट है, इस पे जाके आपको एक्सपोर्ट करना है। जैसे ही एक्सपोर्ट करेंगे आपके सामने ये पेज आएगा। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर ही है MP4। आप किसी भी फाइल में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत सारे इसके अंदर ऑप्शन है।
3GP, MP3 वगैरह। तो यहाँ पे आपको MP4 में करना है, तो MP4 पे जाके क्लिक करना और MP4 में जाके जहाँ पर भी इसको सेव करना चाहते हैं वो भी आप पाथ है वो रख सकते हैं। यहाँ पे मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो भी है वो रखता हूँ। और यहाँ पे जाके आप जो नीचे एक्सपोर्ट नज़र आ रहा है वहाँ पे जाके आपको करना है एक्सपोर्ट। तो बहुत ही सरल तरीका है, जैसे ही एक्सपोर्ट करेंगे आपके सामने ये जो प्रोसेसिंग है वो शुरू हो जाएगी और ये पूरी फाइल है .dat फाइल है ये पूरी तरह से एक्सपोर्ट होके MP4 में कन्वर्ट हो जाएगी। और MP4 फाइलें हम किसी भी मोबाइल में या टीवी में या आप किसी भी लैपटॉप में किसी भी मीडिया प्लेयर में ओपन कर सकते हैं। तो ये है तरीका MP4 बदलने का। थैंक यू।